आखिरी दौर में लौटकर आए मानसून ने दलहन के उत्पादन का पूर्वानुमान और गणित बदल कर रख दिया है। आखिरी दौर की इस बारिश के कारण तुअर का उत्पादन घटने तो चने का उत्पादन रिकॉर्ड तोड़ होने की उम्मीद जताई जा रही है। खरीफ में तुअर की बोनी इस साल पूरे देश में 50 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा क्षेत्र में हुई थी, बीते साल से 2 लाख हेक्टेयर ज़्यादा है। हालांकि हाल ही के दिनों की बारिश से प्रमुख तुअर उत्पादक राज्यों जैसे कर्नाटक, महाराष्ट्र के साथ मध्य प्रदेश में भी तुअर की फसल को नुकसान की आशंका है। बुआई के हिसाब से पहले आंके गए उत्पादन में अब कर्नाटक में 13% और महाराष्ट्र में करीब 6.25%, जबकि मध्य प्रदेश में 4.25% अंतर आने यानी उत्पादन घटने की आशंका जताई जा रही है। इससे आने वाले दिनों में तुअर के दामों को सपोर्ट मिल सकता है। हालांकि चने के लिए मामला उल्टा दिख रहा है। चने की कीमतें अभी एक सीमित दायरे में चल रही हैं। सरकार द्वारा दालों पर स्टॉक लिमिट और आयात के फैसले ने चने को बांध कर रखा है। मानसून एक बार फिर से सक्रिय हुआ है, जिससे जमीन में नमी लंबे समय तक रहेगी। इसका लाभ रबी में चने की फसल को मिलेगा। चने की बुआई बढ़ने के साथ चने का उत्पादन 2020-21 में 119.9 लाख टन रहने की संभावना है। इन सब कारणों से चने की कीमतें त्योहारी मांग का सपोर्ट होने के बावजूद वायदा बाजार में सीमित दायरे में कारोबार करती नजर आ रही हैं। सरकार ने हाल ही में चने की MSP में बढ़ोतरी की है। चने की MSP पहले 5100 रुपये प्रति क्विंटल थी। सरकार ने साल 2022-23 के सीजन के लिए चने की MSP में 130 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बढ़ोतरी की है और अब चने की MSP 5230 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। वहीं पितृपक्ष के समाप्त होते ही चने से बने उत्पादों की डिमांड बाजारों में बढ़ने की संभावना है। इसको लेकर किसानों और व्यापारियों को उम्मीद है कि आगे चने की कीमतों में तेजी देखने को मिल सकती है। इंदौर मंडी में शुक्रवार को चना कांटा आंशिक सुधर कर 5325 से 5350 रुपये तक बोला गया। तुअर में मिलों की छिटपुट मांग निकलने और आवक में कमी के कारण भाव मजबूत बोले जा रहे हैं। अन्य दलहन व दालों की कीमतों में स्थिरता रही। मंडी में काबुली चने की आवक कमजोर पड़ती दिखी। मंडी में काबुली की आवक 1500 बोरी रही, इससे भावों में बढ़ोतरी रही। काबुली चना डंकी 5500 से 8000, मीडियम 8000 से 9000 और बेस्ट काबुली चना 9100 रुपये से लेकर 9300 रुपये तक बोला गया, जबकि कंटेनर में काबुली चना 4446 क्वालिटी 9300 तक बोला गया। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।